दोस्तों, ये है आंध्र प्रदेश का दिल कहे जाने वाला बड़ा ही मजेदार शहर गुंटूर, जो बंगाल की खाड़ी से मात्र 64 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। ये शहर आंध्र प्रदेश के बीच में ही आता है, जिस वजह से इसको आंध्रा के दिल के रूप में पहचान मिली हुई है। ये पूरा इलाका 168 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जहां पर 7,43,000 लोग अपने शहर गुंटूर पर फख्र महसूस करते हैं। जनसंख्या के हिसाब से ये शहर आंध्र प्रदेश का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। यहाँ की आबादी और क्षेत्रफल के अनुपात को देखा जाए तो यहाँ 1 किलोमीटर के क्षेत्रफल में 4,400 लोग रहते हैं। ये शहर इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर 1,000 पुरुषों पर 1,004 महिलाएं पाई जाती हैं। यहाँ इस शहर में लड़कों से ज्यादा लड़कियाँ हैं। यहाँ की ज्यादातर आबादी तेलुगु में बात करती है, वहीं दूसरे नंबर पर उर्दू बोलने वाले लोग भी इस शहर में 1,10,000 से ज्यादा हैं। यहाँ पर 77% हिंदू और 18% मुस्लिम्स की आबादी पाई जाती है। इसके अलावा क्रिश्चियन, जैन और यहूदी भी कुछ मात्रा में पाए जाते हैं। दोस्तों, जैसे पिछले वीडियो में हमने विजयवाड़ा का जिक्र किया था, उसी तरह ये भी अमरावती के शहरी क्षेत्र में मिला हुआ है। ये भारत की टियर 2 सिटीज में आता है, जो दुनिया का 24वां और भारत का 11वां मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटी है, जहाँ की सड़कों पर AP07 नंबर प्लेट वाले वाहन अधिकता में देखे जा सकते हैं। इस शहर में एक अगस्तेश्वर मंदिर मौजूद है, जो इस राज्य के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। इस मंदिर को साल 1100 में राजा अगस्त द्वारा बनवाया गया था, जो चालुक्य साम्राज्य के राजा हुआ करते थे। इस मंदिर में पत्थर पर एक इंस्क्रिप्शन भी मिला है, जिसमें पुराने गुंटूर का जिक्र मिलता है। माना जाता है कि इस इलाके में बौद्ध धर्म के लोग काफी ज्यादा रहते थे, और ये भी माना जाता है कि खुद गौतम बुद्ध ने इस इलाके में कालचक्र समारोह किया था। यहाँ की गुफाओं के बारे में हिंदू पुराणों में भी जिक्र मिलता है, जो बताते हैं कि ये शहर हजारों साल से इस जगह पर बसा हुआ है, और उसके 800 साल बाद फ्रेंच और अंग्रेजों ने इस शहर के रिसोर्सेज को बहुत ज्यादा एक्सप्लोइट किया था। फ्रेंच इन्वेडर्स ने तो कोंडाविडू फोर्ट से इस शहर में अपने हेडक्वार्टर्स को शिफ्ट कर लिया था। इसके बाद हैदराबाद के निजाम्स और उसके बाद अंग्रेजों ने इस शहर पर शासन किया। उस वक्त तक ये शहर मद्रास स्टेट के अंदर होता था। ब्रिटिशर्स के हेडक्वार्टर्स भी उस समय यहीं पर हुआ करते थे, इसी वजह से इस इलाके में डेवलपमेंट शुरू हुआ था। उसके बाद ये शहर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का एक बड़ा मार्केट बन गया। 1890 तक इस शहर को रेलवे लाइन से भी जोड़ दिया गया, और फिर गुंटूर शहर का और ज्यादा एक्सपेंशन होने लगा, और आज के समय न्यू गुंटूर का विकास हो रहा है, जो अब कई सबर्ब्स में विकसित हो चुका है। आंध्र प्रदेश के एग्रीकल्चर मार्केटिंग हेडक्वार्टर, टोबैको बोर्ड और स्पाइसेस बोर्ड इसी शहर में मौजूद हैं। एशिया का सबसे बड़ा लाल मिर्च यार्ड भी इसी शहर में आता है, जो सीजन के समय शहर को $13 मिलियन का रेवेन्यू देता है। दुनिया में लाल मिर्च के एक्सपोर्ट में मेक्सिको के बाद आंध्र प्रदेश का गुंटूर शहर दूसरे नंबर पर आता है। इस एक्सपोर्ट और ट्रेड को पॉसिबल बनाने के लिए शहर में रेलवे और रोड का बेहतरीन जाल बिछा हुआ है। इस शहर की सड़कों पर सरकारी बसों से हर दिन लगभग 1,00,000 लोग ट्रैवल करते हैं। यहाँ गुंटूर रेलवे स्टेशन के साथ 5 से 6 रेलवे स्टेशन और भी मौजूद हैं, जो इस शहर से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने का सबसे मुख्य जरिया है। नेशनल हाईवे 16, 44 और स्टेट हाईवे 2, 48 और एशियन हाईवे 45 भी इस शहर से गुजरते हैं। इसके अलावा भारत के बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में से एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल भी इस शहर से होकर गुजरता है। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए। अपने शहर के बारे में वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड विद एक्सप्लोर YRS।